सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के मल्टी बाइंडिंग फीचर के बारे में, जो कि आप लोग को OB38 के अपडेट में देखने को मिलने वाला था, लेकिन हमारे इंडिया सर्वर नहीं दिया गया था। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे मोन्टू भाई मल्टी बाइंडिंग का फीचर हम लोग को कब देखने को मिलेगा। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आज की वीडियो में आप लोग को 100% कन्फर्म अपडेट के साथ बताने वाला हूं हमारे मल्टी बाइंडिंग फीचर के बारे में, कब तक आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर दिया जाएगा एंड क्या कुछ आप लोग को फ्री के रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलने वाले। साथ ही गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूं हमारे इंडिया सर्वर आने वाले नेक्स्ट मैजिक क्यूब अपडेट के बारे में, कब तक आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट देखने को मिलेगा। इसके दिया तो बिना किसी तरीके बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम इसी तरह बात करेंगे सबसे पहले आप लोग की टोनेट अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आज हमारे इंडिया सब पर आया हुआ 100% बोनस टॉप इवेंट चला जाएगा और कल आप लोग हमारे इंडिया सब पर एक न्यू टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए टॉप इवेंट निकल कर आ रहा है, जो कि 100% कन्फर्म हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे 100 डायमंड का टॉपअप करते हो तो गाइस आप लोग यहाँ पे हमारी एक बियर्ड देखने को मिल जाती है। बाकी गाइस वहीं पे अगर आप लोग 300 डायमंड का टॉपअप करोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग हमारा एक इमोट देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आप लोग के होली के स्पेशल थीम पर डिजाइन किया गया, तो बहुत ही ज्यादा ओपी वाला इमोट है टेक्नो ब्लास्ट वाला। तो देखो गाइस अगर आप लोगों को डायमंड की जरूरत है आप लोग 100% बोनस टॉप इवेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इमोट ज्यादा पसंद आ रहा है तो भाई कल तक का वेट कर लीजिए, मतलब 12 बजे बाद आप लोग को ये टॉप इवेंट देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट करें तो आप में से काफी सारे बंदों के कमेंट्स आते रहते हैं मन्नू भाई हमारा पर्पल शेडो वाला बंडल कब देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारे एक सर्वर कुछ इस टाइप का इवेंट में पर्पल शेडो वाला बंडल रिटर्न में दिया गया, जिसमें अगर आप लोग एक नहीं टोटल फेडर भी इवेंट में सारे के सारे आप लोग यहां पे बंडल ही देखने को मिलते हैं। और जहां तक मुझे लगता है शायद से इसमें से एक दो बंडल को छोड़कर सारे बंडल हमारे इंडिया सर्वर पहले देखने को मिल चुके हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग यही सोच रहे हैं कि इसके अंदर कितने सारे डायमंड लगेंगे हमारे पर्पल शेडो वाले बंडल को निकालने में, तो गाइस सबसे पहले आप लोग किन्नी भी दो बंडल को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे सबसे पहला स्पिन 299 डायमंड का देखने को मिलता है, लेकिन उसमें 50% ओप करने के बाद पहला स्पिन आप लोग यहाँ पे 149 डायमंड में कर सकते हो। और सेकंड स्पिन से गाइस यहाँ पे आप लोग को 299 डायमंड में एक स्पिन करने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हर स्पिन गाइस आप लोग का 299 डायमंड का होगा और हर स्पिन पर गाइस आप लोग को कोई ना कोई एक बंडल यहाँ से मिलने वाला है। तो एक सर्वर पर गाइस कुछ इस टाइप का फेडरल इवेंट देखने को मिला। बाकी गाइस आप लोग को पता है हमारे इंडिया सर्वर तो इस तरीके का फेडरल इवेंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है गाइस आप लोग को हमारा पर्पल शेडो वाला बंडल आने वाले कुछ दिनों में किसी तरीके के वेबिनार देखने को मिल जाए। चलो अब बढ़ते हैं वीडियो आगे, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आप में से काफी सारे बंदे हमारी M87 गन स्किन के रिटर्न में आने का वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक और सर्वर पर यहाँ पे कुछ इस तरीके के टोकन टावर एंड में आप लोग को हमारी 4-4 M87 की गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल जाती है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो फर्स्ट टाइम जब ये वाले गन स्किन हमारे इंडिया सर्वर पर दी गई थी तो एक वेब इवेंट में आप लोग देखने को मिली थी। बाकी गाइस अभी काफी सारे सर्वर पर ये वाली M87 की गन स्किन रिटर्न में दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे टोकन टावर एंड देखने को मिल जाती है। एक सर्वर पर गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टोकन व्हील एंड में भी देखने को मिली थी, और इससे पहले भी गाइस काफी सारे सर्वर पर लक रॉयल में एंड और काफी सारे इवेंट में रिटर्न में देखने को मिल चुके हैं। तो गाइस हमारे इंडिया सर्वर पे आप लोग को बहुत ही जल्दी ये वाली गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल सकती है। आप इवेंट कोई भी हो सकता है, टोकन टावर एंड भी हो सकता है या टोकन व्हील एंड भी हो सकता है या गाइस आप लोग का लक रॉयल भी हो सकता है। बाकी फिलहाल में आप लोग के M87 गन स्किन रिटर्न के लिए कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन गाइस फिर भी अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। अब की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग हमारे इन गेम में कुछ इस टाइप के नए करेक्टर्स देखने को मिलने वाले, जो कि गाइस आप लोग को OB39 अपडेट के बाद तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग कल की वीडियो में हमारे OB39 अपडेट के बाद आने वाले नए करेक्टर के बारे में बता दिया था। लेकिन गाइस ये जो करेक्टर्स हैं आप लोग को आने वाले अपडेट्स के बाद देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग का OB40 अपडेट हो गया, OB41 अपडेट हो गया, तो कुछ इस तरह के करेक्टर्स आप लोग के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जो कि यार आप लोग को बहुत ही जल्दी हमारे गेम में देखने को मिलने वाले हैं, जो क्या देखने में भी काफी कमाल के लग रहे हैं। बाकी गाइस इसमें आप लोग को एक ब्रदर सिस्टर का करेक्टर देखने को मिलने वाला है, जिसमें ब्रदर एक करेक्टर होगा एंड गाइस सिस्टर का आप लोग को रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। गाइस चलो गाइस इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग के न्यू पैट के बारे में एंड साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा मल्टी बाइंडिंग सिस्टम के बारे में कब आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने हुए आपको वीडियो पसंद आ रही थी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि गाइस आप लोग को हमेशा इसी तरह करना फिर हर एक छोटी से छोटी अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइस अब बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि गाइस आप लोग
के न्यू पेट के बारे में होने वाली। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत टाइम पहले हमारे गेम में कुछ इस टाइप से सर्वे देखने को मिला था। अब यार यहाँ पे आप लोगों को हमारे काफी सारे पेट देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आप लोगों को ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि भाई सारे के सारे पेट आप लोगों को OB39 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइस यार अभी तक हमारा एडवांस सर्वर नहीं आया। तो जैसे ही 10 तारीख को एडवांस सर्वर आ जाता है तो मैं आप लोगों को हमारे न्यू पेट का रिव्यू करके बता दूंगा। बाकी गाइस यार यहाँ पे आप लोग जितने भी पेट देख पा रहे हो, इन्हीं में से कोई ना कोई एक पेट आप लोगों को हमारे गेम में देखने को मिल सकता है। तो चलो गाइस ये तो बात होगी आप लोग के न्यू पेट के बारे में, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते रहते हैं, मन्नू भाई हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब में अपडेट कब देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार आप लोगों को 1 तारीख को मैजिक क्यूब में अपडेट देखने को मिलता था, लेकिन इस बार हमारे 1 तारीख को भी मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट नहीं देखने को मिला। और इस बार हमारे मैजिक क्यूब स्टोर को अपडेट क्यों नहीं किया गया, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। 7 तारीख को शायद हमारे इंडिया सप्लाई स्पेशल मिशन का इवेंट आने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग कुछ सिंपल से मिशन वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, एंड उन मिशन को कंप्लीट करके आप लोग कुछ रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलेगा। अब वो मैजिक क्यूब भी हो सकता है या बंडल भी हो सकता है, या गाइस आप लोगों को ग्लो स्किन और कुछ भी रिवार्ड्स क्लेम करने को मिल सकता है, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ गाइस आप लोगों को 7 तारीख को हमारे इंडिया सप्लाई स्पेशल मिशन का इवेंट जरूर देखने को मिलेगा। और गाइस अगर हमारे मैजिक क्यूब स्टोर को इस महीने की 1 तारीख को अपडेट नहीं किया गया, तो इसका साफ साफ मतलब यही निकल कर आ रहा है कि हो सकता है स्पेशल मिशन में आप लोग को एक मैजिक क्यूब भी फ्री में क्लेम करने को मिल जाए। एंड 8 तारीख को आप लोग के मैजिक क्यूब स्टोर को अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि 8 तारीख को आप लोग को पता है होली पड़ रही है, तो इसलिए गाइस काफी ज्यादा चांसेस है आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर नेक्स्ट मैजिक क्यूब में काफी बढ़िया बढ़िया से बंडल्स देखने को मिल जाए, जिनको निकालने का गाइस आप लोग का भी मन करने लगे। बाकी अभी तक ऐसी कोई कंफर्म अपडेट तो यहाँ पे निकल कर नहीं आ रही आप लोग के मैजिक क्यूब बंडल्स के लिए, और जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग को होली इवेंट से पहले पहले हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट देखने को मिल जाएगा। इवेंट को तो गाइस आप लोग को जरूर से देखने को मिल जाएगा। अब गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गाइस आप लोग के मल्टी बाइंडिंग फीचर के बारे में, और ये फीचर किस तरीके से काम करता है। वैसे तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बंदों को पता नहीं होगा। तो गाइस इसमें क्या होता है कि भाई आप लोग की फेसबुक से आईडी हमेशा फ्री फायर के बनी होती है, ज्यादातर लोगों की फेसबुक आईडी से बनी होती है। तो गाइस आप लोग है ना जो अपनी फ्री फायर आईडी को फेसबुक के साथ गूगल ट्विटर एंड गाइस आप लोग वीके से भी लिंक कर पाओगे, जिससे गाइस आप लोग की आईडी बिल्कुल सेफ होती है। किसी वजह से फेसबुक आईडी बंद हो जाती है तो आप लोग गूगल से लॉगिन कर लोगे, गूगल की आईडी बंद हो जाएगी तो आप लोग वीके से या ट्विटर से लॉगिन कर लोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरी फ्री फायर की आईडी गूगल अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आप लोग को फेसबुक के निशान पे भी टिक लगा हुआ देखने को मिल जाता है, मतलब मैंने इसे फेसबुक से भी लिंक कर रखा है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को मल्टी बाइंडिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी रिवार्ड्स की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग अपने अकाउंट को बाइंड करने पर कुछ फ्री के रिवार्ड्स क्लेम कर पाओगे। जैसे कि यार यहाँ पे तो काफी ओपी से रिवार्ड्स दिए गए, लेकिन आप लोग को हमारे इंडिया सफर डायमंड वेपन रॉयल इंक्यूबेटर के वाउचर वगैरह क्लेम करने को मिल जाएंगे, एंड सिंपल सी बैकपैक की स्किन वगैरह क्लेम करने को मिल जाएगी। बाकी रही बात कब हमारे इंडिया सफर मल्टी बाइंडिंग का फीचर आएगा, तो आप लोग को बता दूं पिछली बार के ओबी अपडेट में एक दो सर्वर को छोड़कर सिर्फ हमारे इंडिया सर्वर, बांग्लादेश सर्वर एंड एक वियतनाम सर्वर को छोड़कर बाकी के सभी सर्वर पर हमारा मल्टी बाइंडिंग का फीचर आ चुका है। और इसका एक रीजन है फ्री फायर बैन। जब तक हमारा फ्री फायर अनबैन नहीं हो जाता तब तक आप लोग को मल्टी बाइंडिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई 21 तारीख को या 22 तारीख को आप लोग का ओबी अपडेट आने वाला है, तो आप लोग का फ्री फायर भी अनबैन हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा काफी सारे सर्वर पर इस तरीके से नोटिस भी डाला गया था कि 21 तारीख से पहले पहले स्मूथ गेम एक्सपीरियंस के लिए आप लोग अपने फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर लो, तो काफी ज्यादा चांसेस आप लोग के फ्री फायर के रिटर्न में आने के। बाकी इसके लिए अभी ऐसी कोई कंफर्म अपडेट तो निकल कर नहीं आ रही है। और आप लोग के मल्टी बाइंडिंग फीचर के लिए जो भी अपडेट्स निकल कर आ रही थी वो तो मैंने आप लोग को बता दी। अगर इन केस आप लोग के मल्टी बाइंडिंग फीचर के लिए और कोई नई अपडेट निकल कर आती है तो मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज में जरूर से बता दूंगा। बाकी यार आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारी ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। We're